बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेक्चर नंबर 9 पढ़ना है जी। एजुकेशन की मेरे जॉब अनाउंस हुई थी एफपीएससी में एसएसटी के वाले से 17 स्केल की, ये तकरीबन 3-4 दिन के बाद मैं अपना लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। बहुत से बच्चों के मैसेज आए थे, आप सब लोगों का शुक्रिया कि जिन्होंने जनाब वेल विशेज़ की थी। आपको पता है कि मैं किसी एमरजेंसी में था, हॉस्पिटल में 3-4 दिन रहा हूँ अपने किसी अजीज़ के साथ, इस वजह से मैं जनाब अपना लेक्चर अपलोड नहीं कर सका हूँ। तो एमरजेंसी किसी के साथ किसी भी वक्त हो सकती है जी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो कोशिश करेंगे 3-4 दिन जो हमारे वेस्ट हुए हैं वो थोड़ा सा काम हम स्पीडली कर लें, साथ हमारे इंग्लिश भी इसको हम साथ ऐड कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश और पैडागोजी यही दो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपका पेपर बनना है। तो हम इंग्लिश को भी साथ ऐड कर लेते हैं ताकि जो आपका थोड़ा सा लॉस हुआ है उसको हम थोड़ा सा कैटारसिस कर सकें। तो लेक्चर नंबर 9 आज हमने पढ़ना है जी। तो लेक्चर नंबर 9 में हमने पढ़ना है जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972। 1972 की पॉलिसी के वाले से 3-4 क्वेश्चन जो बेसिक बेसिक बनते हैं वही हम देखेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं है, लिख मैंने वैसे सारी दी है एजुकेशन पॉलिसी, ताकि आप इसको पढ़ लें आपके इंटरव्यू के वाले से या जो किसी भी किस्म का आपका कोई कोई जनाब प्रिंसिपल वगैरह का या कोई भी आपका 19 या 18 स्केल का जो पेपर है उसमें डिस्क्रिप्टिव अगर आपको लिखना पड़ जाए तो आप उसको लिख सकें, ठीक है जी। तो 1972 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी इसको सबसे पहले तो आपने याद करना कि किसने पेश की थी। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, ये क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर वन, ये आपने क्वेश्चन पूछना है, आपने याद करना है। फिर इसकी डेट पूछी जाती है 15 मार्च 1972 को, ठीक है जी। 15 मार्च 1972 की ये डेट पूछी जाती है, ये तो आपने दो चीज़ें याद कर लेनी है। और तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ा जनाब ये मशहूर क्वेश्चन है, वो पूछता है कि जनाब वो कौन सी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसके तहत जनाब आपको जो स्कूल्स हैं उनको नेशनलाइज किया गया था। आजकल तो आपको पता है स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है ना, आजकल तो उल्टी गंगा बह रही है, लेकिन तब क्या किया गया था, तमाम प्राइवेट स्कूल्स को भी गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया था। उन्होंने कहा था जनाब ये प्राइवेट स्कूल जो है ना ये बस एक कारोबार कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, सभी प्राइवेट स्कूल्स को गवर्नमेंट अपने अंडर ले लिया था, ठीक है जी। तमाम जितने प्राइवेट स्कूल टीचर्स थे उनको भी उन्होंने सरकारी ही जनाब उनको दे दिया था सारा कुछ, ठीक है, उनको भी गवर्नमेंट का ही दर्जा दे दिया था। तो ये वो भी 1972 की ही एजुकेशन पॉलिसी थी। ये तीसरा क्वेश्चन आपने याद कर लेना है। पूछता है कि जनाब वो कौन सी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसमें नेशनलाइजेशन की गई थी, ठीक है जी, वो ये आपने क्वेश्चन पूछता है। और चौथा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जनाब वो कौन सी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसके तहत ओपन यूनिवर्सिटी का क्या अमल में आया था। ओपन यूनिवर्सिटी, पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी जो है ना, जो जिसको हम अलामा कौल ओपन यूनिवर्सिटी आजकल कह रहे हैं, ऐसा में ये पीपल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम इसको दिया गया था। ये भी इसी एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही बनाई गई थी, ठीक है जी। ये 3-4 क्वेश्चन इसके जो है ना ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ आ गया जी। अलामा कौल ओपन यूनिवर्सिटी की जो ना डेट भी पूछता है कि किस डेट को जनाब उसकी इनॉगुरेशन हुई थी, उसको एस्टैब्लिश किया गया था, वो भी इंशाल्लाह इसी में नीचे लिखा हुआ है, अभी आ जाता है, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 के हवाले से, ठीक है। 1972 से 1980 तक ये बनाई गई थी, लेकिन ये 1980 के नहीं आई थी, इससे पहले जनाब आपको पता जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को 1977 में जनाब फांसी दे दी गई थी, तो फिर वो मार्शल लॉ रजीम आ गया था, तो मार्शल लॉ वालों ने क्या किया था, अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी दे दी थी, ठीक है। ये फिर 80 तक ये मुकम्मल नहीं हो सकी थी। इसके वाले से जो आपने क्वेश्चन चीजा चीजा करने हैं वो है जी आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी, ये देख लीजिएगा, अगर आपने पढ़ने में तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है कि जनाब पाकिस्तान में सबसे पहले जो फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, फ्री फ्री का क्या मतलब है, मुफ्त, फ्री का मतलब मुफ्त है, और यूनिवर्सल एजुकेशन का मतलब बताया, यूनिवर्सल का मतलब बताया कि हर एक बंदे को पढ़ा लिखा होना होगा, हर बच्चे को तालीम दी जाएगी, कोई भी बच्चा लिटरेसी रेट 100% करेंगे, यूनिवर्सल कर देंगे, हर बच्चे को तालीम का हक देंगे, ठीक है जी। तो ये भी 1972 की ही पॉलिसी थी, पहली पॉलिसी वो थी जिसमें यूनिवर्सल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जनाब जो जिसमें एजुकेशन फ्री दी गई थी, फ्री किताबें दी गई थी, ठीक है, वो सारी की सारी किस्में थी 1972 की, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने ही जनाब ये किया था, ठीक है। और उसके बाद पॉलिसी फॉरवर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, क्या जी, एजुकेशन विल बी फ्री एंड यूनिवर्सल टू अप टू क्लास 10, 10वीं जमात तक जनाब एजुकेशन को फ्री किया गया था, लेकिन इसके दो स्टेप्स किए गए थे, इसके जनाब दो फेज किए गए थे। फर्स्ट फेज कहते थे 1 अक्टूबर 1972 से जनाब 8वीं क्लास तक जो ना 8वीं क्लास तक सारी की सारी एजुकेशन फ्री कर दी जाएगी। फिर 1 अक्टूबर 1979 से जनाब 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को भी फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछता है जनाब कि फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन जो है ना किस पॉलिसी के तहत दी गई थी, वो 1972 की पॉलिसी थी, और उसमें कितने फेज थे, दो फेज थे, एक 78 तक जो ना 72 में
72 में जनाब क्या करेंगे जी, हम 72 से 78 तक जनाब 8वीं क्लास के बच्चों को फ्री, और 79 में जाकर 10वीं क्लास को भी हम फ्री कर देंगे, ठीक है जी। ये एजुकेशन पॉलिसी के वाले से यूनिवर्सल एजुकेशन वाले क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन जनाब 6ठी से लेकर 8वीं तक, ठीक है जी, ये आपने पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना हुआ था, ठीक है, अदरवाइज इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन, ठीक है जी, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ आपका है, मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, अदरवाइज ये सारे आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लें, अदरवाइज मैंने ये पीडीएफ भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी थी, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास ये हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के वाले से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जनाब किस एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाया गया था। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी 1972 की ही एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाया गया था, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस को जनाब उन्होंने खत्म किया था, यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस क्या था, इसके वजह से ये यूनिवर्सिटीज के मिसाइल्स को जनाब सही तरीके से एड्रेस नहीं कर रहा। द इल फेम्ड यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस विच हैड्स कास्ट मच अनरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वुड बी रिप्लेस्ड बाई एनलाइटेड एंड प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन वुड बी डेमोक्रेटाइज द वर्किंग ऑफ यूनिवर्सिटीज, ठीक है जी। उन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस को खत्म किया गया था और जनाब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया गया था, ये इसकी क्वेश्चन इसके वाले से बनता है, काफ़ी तो अब मैंने देखा है, ठीक है जी। उसके बाद प्रोफेशनल काउंसिल का क्या किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया जी कि प्रोफेशनल काउंसिल जी फॉर मेंटेनेंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन वेरियस प्रोफेशनल फील्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी अमंग दैम, प्रोफेशनल काउंसिल विड बी एस्टैब्लिश फॉर एग्रीकल्चर, लॉ एंड इंजीनियरिंग, ठीक है जी, एग्रीकल्चर, लॉ और इंजीनियरिंग के हवाले से प्रोफेशनल काउंसिल्स का क्याम किया गया था। ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 के हवाले से ही इसका क्याम अमल में लाया गया था। ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है जी। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का भी क्याम किया गया था, एरिया स्टडी सेंटर, पाकिस्तान स्टडी सेंटर, शिफ्ट वर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल प्रोफेसरशिप वगैरह, नेशनल रिसर्च फेलोशिप, पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी जो है ना, ये भी जनाब ओपन यूनिवर्सिटी, आपको पता है तमाम लोग आप बीएड वगैरह वहीं से करते हैं, तो ओपन यूनिवर्सिटी भी जनाब ये 1972 की ही एजुकेशन पॉलिसी का ही ये जनाब आपका जो ना ये वही इसी का हिस्सा थी, ठीक है जी। उसके बाद नेशनल बुक बैंक फाउंडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है। तो यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 के वाले से आपके पास 8 से 10 क्वेश्चन ही बनते हैं जो मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिए हैं, ये जो आपके क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। लक्ष्य नंबर 10 भी आज ही हम पढ़ लेते हैं क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 को हमने 10 साल के लिए बनाया था, लेकिन 10 साल पूरे नहीं हुए थे, जुल्फकार अली भुट्टो साहब खुद ही जनाब उनको फांसी दे दी गई थी, तो अब 1978 में जनाब जियाउल हक साहब आ गए थे। तो इसके वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना जी, वो जब पूछता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 जो है ना, वो कौन सी पॉलिसी थी जो जनाब मार्शल ला रिजीम में पेश की गई थी, मार्शल ला रिजीम में, ठीक है जी, फौजी डिक्टेटर ने पेश की थी, वो थी जनाब 1978 की एजुकेशन पॉलिसी। एंड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन 1977 वाज हेल्ड एट इस्लामाबाद विच प्रोवाइडेड बोथ स्पिरिट एंड सब्सटेंस टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 बाय मार्शल लॉ रिजीम, द फैक्टर्स विच लेड द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी बाय बेटर रिफ्लेक्टेड द स्टेटमेंट ऑफ मिनिस्टर मोहम्मद अली होती, ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली होती साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने जनाब ये एजुकेशन पॉलिसी जनाब पेश की थी, कब की थी, ये जनाब वो थे जी जनरल जियाउल हक साहब का जमाना था, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है जी, ये सेलेंट फीचर जो है ना, ये 12 अक्टूबर 1978 को, ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद करनी है, 12 अक्टूबर 1978 को जनाब इसकी मंजूरी दी गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 की, ठीक है जी, समझ आ गया, ये क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। उसके बाद एम्स एंड ऑफ पॉलिसी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप देख लीजिएगा अगर पढ़ने हुए तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अपने स्क्रीन शॉट लेना तो ले लें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के वाले से क्या था जी, द पॉलिसी इन्वेस्टिगेट दैट द प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट वुड बी इंक्रीज दैट ऑल बॉयज स्कूल एज वेर एनरोल्ड बाई 1982 to 1983, यूनिवर्सल एनरोलमेंट फॉर बॉयज शुड बी अटेंड बाई 1986 to 1987, कहता जी 87 तक हम जो ना मुकम्मल यूनिवर्सल एजुकेशन बॉयज़ की हासिल कर लेंगे, मीन कि कोई भी बच्चा जो ना स्कूल से बाहर नहीं होगा, सारे के सारे बच्चे स्कूल में दाखिल हो जाएंगे। इन केस ऑफ गर्ल्स यूनिवर्सलाइजेशन वुड बी अचीव्ड बाय 1992, कहते 92 तक हम जो है ना गर्ल्स को भी, सारी की सारी गर्ल्स को स्कूल्स में ले आएंगे, जो कि अभी तक नहीं आ सकी, ना बॉयज़ आ सके ना ही गर्ल्स आ सकी हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये जनाब जी लिटरेसी रेट जो ना जनाब 82 से 83 तक 60% जनाब लिटरेसी रेट को जनाब इन्होंने टारगेट किया था, ठीक है। बाकी जो है ना ये मास्क्यू स्कूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, आपको पता है जो जनरल जियाउल हक साहब थे ना, उन्होंने सलात कमेटियाँ वगैरह बनाई थी, ज़कात आर्डिनेंस बनाया था, इसी वाले से जो मास्क स्कूल जो ना मस्जिद मकतब स्कूल जिनको हम कहते हैं, मस्जिद मकतब स्कूल भी 5,000 उन्होंने बनाए थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वो पूछते हैं जनाब किस एजुकेशन पॉलिसी के तहत मास्क स्कूल,
मास्क स्कूल मीन्स के जो मस्जिद मकतब स्कूल है वो बनाए गए थे 5,000, वो है जी आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 की पॉलिसी के तहत ये बनाए गए थे, ठीक है जी, समझ आ गया जी। टेक्स्ट बुक विल बी सप्लाइड एट आर स्टूडेंट प्राइमरी लेवल, ये तो सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताता चाहता हूँ साथ साथ, ठीक है जी। सेकेंडरी एजुकेशन के वाले इन द व्यू ऑफ पॉलिसी सेकेंडरी एजुकेशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिस्टम, इट वॉज बोथ ए टर्मिनल स्टेज फॉर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड आल्सो सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन प्रोफेशनलिज्म। द पॉलिसी मेंटेन डैट द एग्जिस्टिंग फोर टायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन नेमली प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वुड बी रिप्लेस बाई थ्री टायर सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखें जी, प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को उन्होंने ख़त्म करके क्या किया था, उन्होंने क्या था जी, एलिमेंट्री सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी, प्राइमरी और सेकेंडरी को जनाब उन्होंने क्या किया था, प्राइमरी और उसको सर को एलिमेंट्री कहा था 8वीं तक, फिर सेकेंडरी और उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन, चार फेजेज को उसने चेंज करके तीन फेजेज में कर दिया था, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अदर प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड इंपोर्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन, जो मैथमेटिक्स विड बी इंट्रूड एज कंपलसरी सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1978 से पहले जो मैथमेटिक्स था ना ये इलेक्टिव सब्जेक्ट था, तो फिर अब आपको पता है मैथमेटिक्स आपने हर क्लास में पढ़ना होता है 12वीं तक, ठीक है, सॉरी मैट्रिक तक, ठीक है, तो मैथमेटिक्स को जनाब कब कंपलसरी किया गया था, ये 1978 की ही पॉलिसी के तहत किया गया था। द प्रेजेंट स्कीम ऑफ एग्रो टेक्निकल सब्जेक्ट्स वुड बी रिसीव्ड एंड नेसेसरी चेंज शुड बी मेड इन द लाइट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस सो एज टू मेक इट पर्पजफुल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वही आपने याद कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आपका साइंस एजुकेशन है, साइंस एजुकेशन हैज़ बीन सेपरेटली एंड स्पेशली ट्रेटेड इन पॉलिसी बिकॉज ऑफ इट्स वाइटल रोल इन द नेशनल डेवलपमेंट, साइंस एजुकेशन हैज़ व्यूड बाय द पॉलिसी मेकर्स प्रोवाइडेड अ साउंड बेस फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, द पॉलिसी मेंटेन दैट नेशनल सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन वुड बी एस्टेब्लिश टू इम्प्रूव साइंस, तो ये इंपॉर्टेंट ये बात है, ये है नेशनल सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, नेशनल सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन किस पॉलिसी के तहत बनाया गया था, 1978 की पॉलिसी के तहत बनाया गया था नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशनल साइंस, ठीक है, फॉर साइंस एजुकेशन, ठीक है जी। उसके बाद टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन जो है बी भी 1978 की पॉलिसी का ही हिस्सा था, ठीक है जी, समझ आ गया। टीचर एजुकेशन के वाले से बड़ा काम हुआ था 1978 के पॉलिसी में, हायर एजुकेशन के वाले से कॉलेज एजुकेशन में उसने कॉलेज ऑक्यूपाइज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द सिस्टम एजुकेशन, देयरफॉर द पॉलिसी मेंटेन एंड adequate physical facilities, healthy and academic atmosphere, hostel accommodation and well balanced academic and recreational activities would be provided to students so that they could fulfill the critical role in the national development, इसमें से इतनी important को बात नहीं थी। The degree college would be have only आप ये important है, ये important है, ये degree college would have only 13 to 14, 13वीं और 14वीं जमात उन्होंने क्या किया था उसके दिया था उसको जनाब डिग्री कॉलेज को, ठीक है जी। प्रोग्राम ऑफ 4 ईयर्स ड्यूरेशन टू बी इम्पोर्टेंट एज हायर एजुकेशन कंप्लीशन ऑफ इंप्रूव स्टडीज, गर्ल्स कॉलेज वुड विच हैड बीन अपग्रेडेड टू डिग्री लेवल इन द पास्ट वुड बी प्रोवाइडेड विद एडुकेट बिल्डिंग्स, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ डिग्री कॉलेज वुड बी फिक्स, टीचिंग ऑफ साइंस सब्जेक्ट वुड बी कंसोलिडेटेड, बुक बैंक स्कीम वुड बी रिकास्टेड, ये इंपॉर्टेंट है। बुक बैंक स्कीम जो है ना ये बनाई किसने थी, ये 1972 की पॉलिसी में आई थी, यहाँ पे सिर्फ रिकास्ट किया गया था इसको, ठीक है जी। सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ कॉलेज वुड बी रिवाइव्ड एंड स्ट्रेंथन, ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट इसमें जो है 1978 की पॉलिसी में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे पूछी जाए, 1972 की पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आपने 8-10 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वही आप इसको जो है इसको एनालिस्ट कर लेना इंशाल्लाह ताला, जब जैसे मैं इसकी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के वाले से सारे आपके लेक्चर मुकम्मल हो गए ना, तो नीचे आपको पता है जैसे हम ऊपर करते हैं ना इसको मैं एंड पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इंशाल्लाह जो जितने भी 18-20 बनेंगे ना वो सारे के सारे मैं आपके वो भी सारे इसमें ऐड कर दूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि जो आपको मजीद समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।